बिजनौर पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार और जनता से बातचीत करने के लिए आईजी मुरादाबाद ने बिजनौर में स्थित रॉयल कैसल बैंक्वेट हॉल में पहुंचकर जनता और अधिकारियों से सीधे बातचीत की। स्कूलों से आई छात्राओं ने पुलिस की कार्रवाई करने के तरीके पर कई प्रश्न आईजी विनोद कुमार सिंह से पूछे। उन्होंने पूछा कि महिलाएं जब कोई शिकायत लेकर थानों में जाती हैं तो पुलिस उनकी शिकायत दर्ज करने के बजाय उन्हें इज्जत की दुहाई देते हुए पाठ पढ़ाने लगती है और समझौते का दबाव बनाती है। महिलाओं की शिकायत आसानी से दर्ज नहीं की जाती, जिससे महिलाएं थाने में जाने से कतराती हैं। आईजी ने इस सवाल के जवाब में कहा कि इन्हीं कमियों को जानने और उन्हें दूर करने के लिए ये मीटिंग रखी गई है। वर्धमान कॉलेज की रिटायर्ड प्राचार्य डॉक्टर मीना बख्शी ने स्कूलों के खुलने और बंद होने के समय की ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया, जिसके उत्तर में आईजी ने एसपी सिटी दिनेश सिंह को 15 दिन के अंदर व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए और उन्हें पूरी रिपोर्ट बताने के आदेश देते हुए स्कूलों को समय में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान एसपी उमेश कुमार सिंह सहित एडिशनल एसपी और सभी सीओ मौजूद रहे। पुलिस विभाग की तरफ से और बिजनौर के इस इकट्ठा हुए प्रबुद्ध जनमानस की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। हम तो आप लोगों को हम कष्ट नहीं देना चाहते थे, कहा हमने कहा प्ले कर दीजिए। यस डू प्ले। काम करते हैं तो ये सवाल अपने आप से जरूर करते हैं, व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्या कर रहा हूं। तो अगला सवाल होता है व्हाई एम आई डूइंग, क्यों कर रहा हूं, फिर उसके हम जवाब तलाशते हैं। सबसे पहले जब बहुत ज्यादा खुशी मिले या बहुत ज्यादा मोहब्बत मिले तो इंसान की जबान बंद हो जाती है। मैं सोच के तो बहुत कुछ आया था लेकिन अब मेरी जबान पे ताले पड़े।